गलत किया चीको ने, समझना चाहिए था उसे। एक तो कीर्ति बिटिया की हालत ऐसी और ऐसे में बहस करना, बेचारी ने क्या गलत किया अगर अपने भाई का पक्ष लिया तो? चीकू भी तो अपनी बहन का ही पक्ष ले रहा है ना। ये तो होता ही है राष्ट्रीय बहन, कोई भी एक रिश्ता टूट जाता है ना तो उसका असर दूसरे रिश्तों पे भी पड़ता ही है। तो ये सिर्फ हम क्यों सोचे भाभी माँ, कार्तिक को भी तो सोचना चाहिए ना, उसके भी तो बहन का ससुराल है, थोड़ा सोच समझ के बोले। पर देवयानी बहन, उसने हम में से किसी को कुछ भी नहीं कहा। कोई उसकी स्थिति भी तो समझने की कोशिश कीजिए, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है। वो बेचारा तो शादी के लिए आया था, उसने नायरा के लिए इतनी देर इंतजार भी किया, नायरा ही नहीं गई, चाहे जिस भी वजह से। उस पे क्या बीती होगी ये तो हम समझ सकते हैं, अब उसे इतना अधिकार तो देना चाहिए कि वो अपने मन की भड़ास निकाल सके और शांति से अपना जीवन जी सके। मैं भी यही चाहती हूँ मुन्ना, कि हर कोई शांति से जिए, वो भी, मेरी नायरा भी, कीर्ति और लल्ला भी। अब तो मुझे कीर्ति और लल्ला की भी बहुत चिंता होने लगी है, झगड़ के मुंह फुला के बैठे दोनों एक दूसरे से। कार्तिक, इट्स ओके। थैंक यू आशी, थैंक यू समझने के लिए। मैं बता नहीं सकता कितनी कितनी डेस्परेटली वेट कर रहा हूं मैं कल का जब। और मैं भी, और सुन, ये थैंक यू फिर से मत कहना, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों ही एक दूसरे के काम आ गए, तो उस हिसाब से तो मुझे भी तुझे थैंक यू कहना चाहिए, है ना? ये ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ भाभी, प्लीज। स्वर्णा रुको उसे। नहीं माँ जी, प्लीज नहीं। सही गलत मुझे नहीं पता मनीष जी, पर जरूरी है शायद। कोई भी एक रिश्ता टूट जाता है ना तो उसका असर दूसरे रिश्तों पे भी पड़ता ही। कोई उसकी स्थिति भी तो समझने की कोशिश कीजिए, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसे किस अपराध की सजा मिल रही है। वो बेचारा तो शादी के लिए आया था, उसने नायरा के लिए इतनी देर इंतजार भी किया, नायरा ही नहीं गई, चाहे जिस भी वजह से। सॉरी, चुबा क्या? वो क्या ना, आशी के लिए रिंग सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, सोचा तुम्हारी हेल्प ले लूं, इसलिए घर वालों की परमिशन लेकर ऊपर आया। एक्चुअली टाइम कम है और बेचारी बहुत बिजी है, तुम तो फ्री हो ना? बताओ ना नायरा, कौन सी रिंग पहना उसे? जल्दी बताओ, सगाई आज ही है, कल शादी है हमारी, और उसकी भी तैयारियां नहीं हुई। ये देखो, ये वाली की ये वाली। अरे बोलो, देखो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, थैंक्स टू यू। तुम्हें तो पता, जब मैं अपसेट होता तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। बताओ कौन सी रिंग? ये वाली की ये वाली। अरे तुम तो स्ट्रांग हो, फैसला ले सकती हो ना, तो लो ना फैसला। बताओ कौन सी वाली रिंग? दोनों नहीं? ठीक है भाई, ये वाली। ये तो पसंद है ना तुम्हें? याद है ना ये रिंग? ये पहना दो आशी को, बोलो नायरा, ये ठीक है ना, चलेगा? अरे बोलो, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? हॉट हो रहा है क्या? यादें ताजा हो रही है कुछ? देखो अगर मेरे बोलने से हर्ट हो रहा है तो बता दो, मैं नहीं बोलूंगा।
बताओ नायरा, हर्ट हो रहा है तुम्हें? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूं, तुम्हें क्यों हर्ट होगा, वो तो मुझे होता है ना। तुम्हें तो तब भी बुरा नहीं लगेगा ना नायरा, जब मैं आशी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे शेरिंग पहनाऊंगा जैसे तुम्हें पहनाई थी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तुम्हें? बोलो नायरा, ऐसे मैं क्या सोच रहा हूं, इस बार सगाई स्टेज के ऊपर ना करके टेबल के नीचे कर लो, कैसा थीम रहेगा? अंडर द टेबल अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा, थीम भी अच्छी, यही पहनाना। एक सेकेंड ना, ये बॉक्स में रख के ले जाना, ऐसे हाथ में ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी लोगे मेरे बिना? जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है अब कार्तिक। बोलो नायरा, जी लोगे मेरे बिना? नहीं कार्तिक, पर जीना पड़ेगा। मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें? यादें ही तो नहीं रहेंगी, तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी भुला दोगे जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। याद नहीं आएगी तुम्हें जैसे मुझे आती? मैं तो जाकर भी नहीं भुला सकता तुम्हें। रहने के मेरे बिना अकेले? तुम्हारे बिना रहना मंजूर है कार्तिक, तुम्हें याद करना भी मंजूर है, पर तुम्हें भूल जाना नहीं। देख रहे कृष्णा जी, नायरा रह लेगी कार्तिक के बिना, जी लेगी वो उस कार्तिक के बिना जिससे वो प्यार करती थी, उस कार्तिक के बिना जिसके बिना वो कभी नहीं जी सकती थी। ये खुद कहा था उसने, तो या तो तब झूठ बोला था या अब झूठ बोल रही। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेमोरी लॉस हो ही जाती है, चीजें याद नहीं रहती। बताओ मुझे। हाँ जी लूंगी, चले जाओ तुम मेरे कमरे से, मेरे घर से, मेरी लाइफ से निकल जाओ कार्तिक, जाओ। क्या लगता है अखिलेश जो हो रहा है ठीक हो रहा है? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें लगता है कि इसका रिजल्ट ठीक होगा, कार्तिक जो चाहता है वैसा होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता, तुम मुझे बताओ कि ये सिचुएशन तो समझ जाएगी ना? पता नहीं भाई साहब, अब बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, उससे चीजें ज्यादा बेहतर समझते हैं। पता नहीं ये सिचुएशन संभल पाएगी या नहीं, लेकिन दुआ यही है कि जो हो अच्छा हो, सबकी खुशी हो उसमें। आप टेंशन मत लीजिए, तब अच्छा ही होगा। मेरे भाई ने कह दिया, तो जो होगा अच्छा ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।